वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे मैं भी खैरियत से हूँ तो आज जो मैं रेसिपी बताने लगी हूँ उसको रोजे में तो बिल्कुल मत बनाइएगा क्योंकि आपके मुंह में पानी के फुहारे फूटने लगेंगे जी हाँ मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था मैंने इसे रोजे में बनाया था और मेरे मुँह में पानी ही पानी आ रहा था लेकिन मैं मजबूर थी कि मैं इसे चख नहीं सकती थी तो चलते हैं वीडियो की तरफ तब तो तक तो अगर आपने मेरे चैनल मिक्स एंड एंड टिप्स को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए मेरे चैनल मिक्स एंड टिप्स को लाइक एंड सब्सक्राइब आज हम बनाएंगे खट्टी मीठी इमली की गोली जी हाँ जो कि बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं और औरतों की भी फेवरेट होती है जी हाँ लड़कियाँ भी इसे बहुत पसंद करती हैं सबसे पहले हमें ले लेनी है एक कटोरी फिर हमें पहन लेने ग्लव्स क्योंकि हाइजीन का भी तो ख्याल रखना है भाई मेरे नेल्स थोड़े से बड़े हुए थे तो मैंने ग्लव्स पहनना ज़रूरी समझा हमें ले लेनी है इस तरह से इमली अगर आपके पास इमली के मतलब बगैर बीज वाली इमली नहीं है तो आप बीज वाली इमली ले सकते हैं उसको आप पानी में भिगो देंगे तो उसके सारे बीज रिमूव हो जाएंगे बीस से पच्चीस मिनट पानी में भिगोने के बाद आप इसको इस तरह से पानी में भिगो कर रख दें जिस तरह से मैंने रखे क्योंकि मेरे पास बीज वाली इमली थी हमें इस तरह से इसको पानी में पंद्रह से बीस मिनट के लिए भिगो कर रख देने हैं अगर तब भी आपको ये थोड़ी नरम नहीं लग रही है तो आप बीस से पच्चीस मिनट इसे रख सकते हैं रखने के बाद आपने इसका गूदा अच्छे से निकाल लेना है पंद्रह बीस मिनट बाद ये नरम हो जाएगी फिर आपने इसका गूदा अपने हाथ से निकाल कर बीज को साइड पर कर लेना है बीज हमें सारे फेंक देने हैं फिर इसके बाद हमें इस तरह से आप देख सकते हैं इमली का पल इमली का पल मैंने इस तरह से अच्छे से सारे इसमें बीज में से निकाल लिया है ये देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा हो गया है और पानी भी बिल्कुल इसमें ख़त्म हो गया है फिर हमें ले लेना है खजूर खजूर तो हर घर में रखे हुए ही होंगे क्योंकि अभी रमज़ान है और रमज़ान में सबके घरों में खजूर होते हैं मोस्टली घरों में रमज़ान के अलावा भी खजूर रखे हुए ही होते हैं तो आपने ले लेने हैं इसके अंदर खजूर अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो खजूर चार से पाँच डालिएगा और अगर कम मीठा पसंद करते हैं खट्टा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें सिर्फ दो खजूर ले लीजिएगा मैंने इस तरह से इमली का सारा पल्प निकालने के बाद इसके अंदर ले लिए हैं दो खजूर जी हाँ इस तरह से तोड़कर मैंने इसके अंदर डाल लिए हैं क्योंकि मुझे खट्टा मीठा पसंद है मुझे बिल्कुल मीठा नहीं पसंद है आ, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है खट्टी मीठी इमली मुझे पसंद है खजूर और इमली को मिक्स करके उसे अच्छे से ब्लैंडर में ब्लैंड कर लेना है फिर उसे ब्लेंड करने के बाद हमें इस तरह से स्ट्रेनर की हेल्प से इसको निकाल लेना है ताकि अगर इसके अंदर कोई भी लम्स है तो वो स्ट्रेन के अंदर निकल जाए फिर इस तरह से देखें मैंने कटोरी के अंदर इसका सारा पल जमा कर लिया है कितना जबरदस्त पल बनकर रेडी हो चुका है ये देख कर तो यकीन आपके मुँह में पानी आ जाएगा और क्योंकि मेरे मुँह में भी बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है तो चलते हैं हम पकाते हैं इसे थोड़ी देर के लिए ये देखें हम हम इस तरह से इसे पकाएंगे तो इसके अंदर जितना भी पानी होगा वो हमें सारा जला लेना है क्योंकि हमारी गोलियां फिर तैयार नहीं होगी इस तरह से हमें करके इसका सारा पानी जला लेना है पानी जलाने के बाद हमें इसके अंदर डाल देने हैं लाल मिर्च जी हाँ थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देनी है कुटी हुई लाल मिर्च नहीं डालनी है पिसी हुई लाल मिर्च डालनी है मिर्च डालने के बाद हमें इसे थोड़ी देर के लिए पका लेना है इस तरह से चमचे को चलाते रहना है वरना हमारी इमली नीचे लग जाएगी फिर हमें इसके अंदर डाल देनी है थोड़ी सी चीनी अगर आप चीनी पसंद नहीं करते हैं तो आप गुड़ भी डाल सकते हैं गुड़ डालें चीनी डालें, एक ही बात है ये देख सकते हैं आप कितना जबरदस्त ये पल्प रेडी हो चुका है कितने अच्छे से हमारी इमली पक चुकी है इसका सारा पानी जल चुका है और ये बिल्कुल एक हलवे की सूरत हो गया है जी हाँ हलवा जो कि आजकल हलवे पे वैसे ही बड़ा ट्रेंड चल रहा था पिछले दिनों आप समझ सकते हैं किस हलवे की मैं बात कर करें जी हाँ तो ये वही हलवा है इस तरह से बनकर रेडी हो चुका है हमारी गोलियाँ बनने के लिए तैयार हो चुकी हैं हमें इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेना है ठंडा हो जाने के बाद आपने अपने हाथों में इस तरह से ले लेना है थोड़ा थोड़ा सा उठाकर इमली को इस तरह से ले लेना है ले ले इन के बाद गोल गोल इसकी गोलियां बना लेनी है गोलियां बनाने के बाद हमें इस तरह से शुगर के अंदर इसे डिप कर लेना है शुगर के अंदर इसे इस तरह से अच्छे से कोटिंग कर लेनी है अगर आप पिसी हुई शुगर डालना चाहते हैं तो वो भी ठीक है और अगर इस तरह से बड़ी बड़ी डालना चाहते हैं तो वो भी ठीक है मैंने इस तरह से सारी इसकी गोलियां बनाकर तैयार कर ली हैं देख सकते हैं कितनी प्यारी गोलियां लग रही हैं बहुत मजे की लग रही हैं मुझे तो ये खाने में बहुत मजा आएगा और आप भी खाएंगे तो आपको भी बहुत मजा ही आ जाएगा उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब तब तक के लिए अपना बहुत सारा या मुझे दुआ में याद रखेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज बाय बाय